मोनिका बजा दे एक बार और ताली। वेरी गुड, आजा बेटा यहाँ सेंटर में आ। सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज माननीय करमबीर फौजी जी की बदौलत हमें यहाँ इकट्ठे होकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला। आपने जो खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़कर और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया है, वह बहुत ही सराहनीय योग्य है। मैं मोनिका सपुत्री सतबीर सिंह आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। आज से 73 वर्ष पूर्व 15 वर्ष 1947 को हमें एक ऐसी सौगात मिली जिसकी बदौलत आज इतनी ऊंचाइयों को हमने पाने में सक्षम पाई। हम सभी जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और हमने तो इस सौगात के लिए हजारों जाने गंवाई हैं। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं और जो चैन के पल पा रहे हैं, उन पलों के लिए हमारे पूर्वजों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहेब, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी और हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पूरी जिंदगी का चैन खो दिया। आजादी सिर्फ गुलामी से मुक्ति पाना नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। इस आजादी के बाद ही हम दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए नए मुकाम हासिल कर सके हैं। वहीं दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और हमारा देश इस महामारी का डटकर सामना कर रहा है। हमारे देश के कोरोना सेनानी, फौजी, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी आदि ने अपने सुख को त्याग कर हमारी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। हमारी इस आजादी को बनाए रखने के लिए आज भी हमारे भाई फौजी देश की सीमाओं पर अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े रहते हैं। आज आजादी के 73 वर्ष बाद हमारे देश ने विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई और विकासशील देश से विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर है, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस प्रयास में अपना योगदान दें और अपने गांव, शहर और देश का नाम रोशन करें। दो पंक्तियां देश की शान में, दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान। दिल हमारा एक है, एक ही हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर, जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद।